8 महीने बाद कोहली को आराम, क्या है छुट्टी के पीछे विराट इरादा। आखिरकार विराट कोहली के थकान के मसले पर बीसीसीआई ने गौर फरमाया और उन्हें श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में आराम दिया है। विराट 6 दिसंबर को खत्म होने वाले दिल्ली टेस्ट के बाद करीब 10 दिन टीम इंडिया के साथ नहीं होंगे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि विराट दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले 20 से 24 दिसंबर तक श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज खेलेंगे या नहीं। एक ओर विराट की इस छुट्टी की वजह उनकी थकान बताई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनका लव लाइफ फिर सुर्खियों में आ गया है। उनके फैंस में चर्चा है कि इस दौरान विराट अनुष्का से सगाई करने वाले हैं। वैसे भी अनुष्का और विराट के फैंस को बेसब्री से उनके विवाह बंधन में बंधने का इंतजार है। उनकी इस छुट्टी को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे बीते दिनों विराट अनुष्का का ऐड वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वे शादी की कसमें खाते नजर आए थे। बात सिर्फ विराट तक होती तो भी ठीक था, लेकिन सुनने में आया है कि अनुष्का भी दिसंबर में कोई शूटिंग नहीं करना चाहती हैं। अब वक्त ही बताएगा कि इसके पीछे वजह क्या है। इस साल सबसे ज्यादा मैच खेल चुके हैं। इस साल विराट ने 45 इंटरनेशनल दिल्ली टेस्ट छोड़कर मैच के अलावा 10 आईपीएल मुकाबलों में भाग लिया है। वे किसी भी भारतीय खिलाड़ी की तुलना में सबसे ज्यादा मैच खेल चुके हैं। इस दौरान वह एक ही मैच से बाहर रहे। दरअसल विराट कंधे में चोट की वजह से ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध मैच में धर्मशाला टेस्ट में नहीं खेल पाए थे। उन्हें रांची टेस्ट में फील्डिंग के दौरान कंधे में गंभीर चोट लगी थी। वनडे से रेस्ट लेने की बात करें तो आखिरी बार विराट को जून 2016 के जिम्बाब्वे दौरे में खेली गई 3 वनडे मैचों की सीरीज में आराम दिया गया था। यानी विराट 17 महीने बाद टीम इंडिया के वनडे टीम में नहीं होंगे। इस साल मार्च में चोटिल होने के बाद विराट ने जिम में लगातार पसीना बहाया और महज 2 हफ्ते में खुद को फिट कर दिखाया। आईपीएल 2017 में उन्होंने 14 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैदान में उतरे। इसके बाद उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जैसे आईसीसी के अहम टूर्नामेंट में भाग लिया। इसके बाद वेस्ट इंडीज और श्रीलंका दौरे के बाद घरेलू सीजन सितंबर से दिसंबर के दौरान रिकॉर्ड 23 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले, 3 टेस्ट, 11 वनडे और नॉटी डन का शेड्यूल जारी है। जबकि जनवरी में भारतीय टीम द अफ्रीका के दौरे पर रहेगी।